हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पैरामीटर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटीना। एंटीना की क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं या उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ मैंने कुछ पॉइंट्स दिखा रखे हैं आप लोगों को, जिनके बारे में मैं एक एक करके आपको बताऊँगा। तो चैनल के लिए वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे नंबर वन इज रेडिएशन पैटर्न, फिर रेडिएशन इंटेंसिटी, डायरेक्टिविटी क्या होती है, गेन क्या होता है, रेडिएशन एफिशिएंसी क्या होती है, पावर गेन क्या होता है, इनपुट इम्पिडेंस एंटीना का क्या होता है, इफेक्टिव लेंथ क्या होता है, बीम विड्थ क्या होता है, इफेक्टिव अपर्चर क्या होता है, एंटीना पोलराइजेशन क्या होता है, बीम विड्थ क्या होता है, ठीक है, और फ्रंट टू बैक रेशियो, और फिर लास्ट में लोब्स। ये सारी चीज़ें हम एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले रेडिएशन पैटर्न। सो व्हेन द ग्राफ ऑफ एंटीना इज अ फंक्शन ऑफ डायरेक्शन देन इट इज कॉल्ड एज रेडिएशन पैटर्न। मतलब कि एक ऐसा ग्राफ जिसमें रेडिएशन पैटर्न ड्रॉ किया जाता है विद जो फंक्शन होता है डायरेक्शन का। ठीक है, और जब इसको हम प्लॉट करते हैं इन टर्म्स ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ, मींस फील्ड स्ट्रेंथ हो गया जो आपका जो रेडिएशन होता है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ, उसके रेफरेंस में प्लॉट करते हैं, तब इसको हम बोलते हैं फील्ड स्ट्रेंथ पैटर्न, जो कि हम वोल्ट पर मीटर में मेज़र करते हैं। ठीक है, जैसे इसमें मैंने दिखाया है कि ये मेन लोब है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, और ये है लेफ्ट साइड में। दोनों साइड में रेडिएशन एंटीना का सेम हो रहा है, या सेंटर में एंटीना है जो रेडिएट कर रहा है दोनों साइड में। ठीक है, तो ये बोलते हैं इसको रेडिएशन पैटर्न इसमें इक्वल टू बोथ साइड है। फिर दूसरा केस है जिसमें मैक्सिमम रेडिएशन है किसी एक डायरेक्शन में और अपोजिट डायरेक्शन में बहुत कम रेडिएशन है, तो ये हो गया मैक्सिमम रेडिएशन इन वन साइड। ठीक है, तो ये रेडिएशन पैटर्न कहलाता है, जिसमें हमने क्या किया, रेडिएशन पैटर्न को प्लॉट किया है विद द फंक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन ऑफ ईएम वेव, जो रेडिएशन हमारा एंटीना से निकल रहा है। ठीक है, फिर सेकेंड पॉइंट इज रेडिएशन इंटेंसिटी। इट इज़ द पावर पर यूनिट सॉलिड एंगल एंड इट इज़ इनडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द एंटीना, और इसको हम मेजर करते हैं वॉट पर स्टे रेडियन। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि जो पावर होती है पर यूनिट सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल क्या होता है, जो बीम होती है जो निकलती है एंटीना से, उसका जो एंगल होता है मेन, वो हमारा सॉलिड एंगल कहलाता है। ठीक है, सो वॉट इज रेडिएशन इंटेंसिटी, इट इज द पावर पर यूनिट सॉलिड एंगल। ठीक है, फिर नेक्स्ट है डायरेक्टिविटी। डायरेक्टिविटी इज मेजर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रेडिएशन इन द डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम रेडिएशन। ठीक है, मतलब डायरेक्टिविटी क्या होता है, एक जो डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम रेडिएशन है उसमें जो रेडिएशन का कंसंट्रेशन है वो बताता है। ठीक है, इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ द रेशियो ऑफ मैक्सिमम पावर डेंसिटी टू द एवरेज पावर रेडिएटेड। ठीक है, इसको हम डायरेक्टिविटी कहते हैं। फिर आता है गेन। गेन क्या होता है, ये बताता है मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ डायरेक्टिविटी। ठीक है, मीन्स डायरेक्टिविटी कितना है ये बताता है कि गेन, डायरेक्टिविटी कितना है ये बताता है गेन। मैक्सिमम डायरेक्टिविटी मीन्स मैक्सिमम गेन, इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ द पावर रेडिएटेड बाय एंटीना टू द पावर रेडिएटेड बाय रेफरेंस एंटीना। मीन्स अगर हमने कोई एक रेफरेंस एंटीना लिया जो आइडियल एंटीना है, उसका जो पावर है और जो मेन जिस प्रैक्टिकल एंटीना है, उन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो हम मिलेगा गेन। ठीक है, फिर रेडिएशन एफिशिएंसी क्या होता है, रेडिएशन एफिशिएंसी इज द रेशियो ऑफ रेडिएटेड पावर, टोटल रेडिएटेड पावर टू द इनपुट पावर। ठीक है, मीन्स टोटल पावर जो रेडिएट हो रहा है और जो हमने इनपुट पावर अप्लाई किया है वो, उसका रेशियो बताता है एफिशिएंसी।
पावर गेन क्या बताता है? पावर गेन इज रेडिएटेड पावर इन ए डायरेक्शन, किसी डायरेक्शन में जो पावर रेडिएट हो रही है अपॉन टोटल इनपुट पावर, ठीक है, ये बताता है पावर गेन। इनपुट इम्पीडेंस क्या बताता है? इट इज द इम्पीडेंस ऑफर्ड बाय एन एंटीना एट इट्स इनपुट टर्म एट इट्स इन टर्मिनल्स। सपोज कोई एंटीना है, ठीक है, जिसका जो टर्मिनल है वो ये टर्मिनल हो गया इसका, ठीक है, जो रेडिएशन आ रहा है उसके टर्मिनल्स पर जो इम्पीडेंस है वो बताता है इसका इनपुट इम्पीडेंस, ठीक है। इसमें दो टर्म्स होते हैं, एक होता है रेडिएशन रेजिस्टेंस और एक होता है लॉस रेजिस्टेंस। अगर ट्रांसमिशन की बात करें तो रेडिएशन कितना हो रहा है उसका रेजिस्टेंस और लॉस कितना हो रहा है टर्मिनल्स पे उसका रेजिस्टेंस का सम होता है हमारा इनपुट इम्पीडेंस, ठीक है। इफेक्टिव लेंथ इज द लेंथ, ये इफेक्टिव लेंथ क्या बताता है? इफेक्टिवनेस ऑफ द रेडिएशन, अगर लेंथ ज़्यादा है तो कितना वो रेडिएट कर रहा है, लेंथ कम है तो वो कितना रेडिएट कर रहा है, इफेक्टिवनेस बता रहा है एंटीना की, ठीक है। ये हमारा ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों एंटीना के लिए डिफाइन किया जाता है। अगर हम रिसीवर की बात करें तो इफेक्टिव लेंथ हो गया ओपन सर्किट वोल्टेज टू द इंसिडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द रिसीवर एंटीना, ठीक है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, इफेक्टिव लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैक्सिमम रेडिएशन, जो प्रैक्टिकल लेंथ होता है और जो इफेक्टिव लेंथ होता है। प्रैक्टिकल लेंथ हमारा सपोज आइडियल केस में रेडिएट कर रहा है, लेकिन वो आइडियल केस हो गया, लेकिन जो इफेक्टिव लेंथ होता है एंटीना की वो रियल लेंथ रियल रेडिएशन आपका शो करता है, ठीक है, कि कितना उसने रेडिएट किया, ठीक है। फिर आता है बैंडविड्थ, तो इट इज़ द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज ओवर विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंटीना आर मेंटेन्ड, मीन्स एंटीना की वो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज हैं जिस पर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंटीना जैसे गेन इम्पिडेंस स्टैंडिंग वेव रेशियो ये मेंटेन रहती हैं, ये हमारा कहलाता है बैंडविड्थ। इफेक्टिव अपर्चर क्या कहलाता है? इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द एंटीना टू एक्सट्रैक्ट एनर्जी फ्रॉम ईएम वेव, मतलब कि सपोज कोई एंटीना है, ठीक है, जो रिसीव कर रहा है आपका ईएम वेव, तो उसमें से कितना उसने एनर्जी एक्सट्रैक्ट किया ये हमारा कहलाता है इफेक्टिव अपर्चर, मतलब ये जो इसका एज होता है इस एज पर कितना उसने ईएम वेव को रिसीव करके एनर्जी एक्सट्रैक्ट किया ये कहलाता है इसका इफेक्टिव अपर्चर। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, इट इज़ द रेशियो ऑफ पावर रिसीव्ड एट लोड टू द एवरेज पावर डेंसिटी प्रोड्यूस्ड बाय एंटीना, इज कॉल्ड द इफेक्टिव अपर्चर। एंटीना पोलराइजेशन, इस पोलराइजेशन के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये हमारा क्या बताता है? फिजिकल ओरिएंटेशन ऑफ एम वेव, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का ओरिएंटेशन इज मतलब देखा जाता है केवल, ठीक है। बीम विथ क्या कहलाता है? ये होता है एंगल फ्रॉम वेयर मोस्ट ऑफ द पावर इज रेडिएटेड, ठीक है, ऐसा एंगल जहाँ पर जिस एंगल से जो रेडिएशन होता है मैक्सिमम होता है, ठीक है। ये दो तरीके का होता है, हाफ पावर बीम विथ और फर्स्ट नल बीम विथ, ठीक है। इसके आगे हम बताते हैं, देखिए हाफ पावर बीम विथ क्या होता है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ रेडिएशन पैटर्न इज डिक्रीज्ड बाय 50%, जहाँ पर ऐसा एंगल जहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ रेडिएशन पैटर्न इज डिक्रीज बाय 50%, और फर्स्ट नल वो होता है जहाँ पर नल पॉइंट होते हैं रेडिएशन पैटर्न का, वहाँ पर जो एंगल होता है उसको हम फर्स्ट नल कहते हैं। जैसे डायग्राम से मैं बताता हूँ, जैसे ये हमारा जो है रेडिएशन पैटर्न है, ठीक है, अब यहाँ पर ये जो है नल पॉइंट है, तो नल पॉइंट से ये जो एंगल हमने मेजर किया है, ठीक है, ये हमारा कहलाएगा फर्स्ट नल बीम विथ। लेकिन इस पॉइंट पर क्या हो रहा है, ये जो रेडिएशन पैटर्न होता है उसका मैग्नीट्यूड डिक्रीज होता है 50%, तो इसको हम बोलते हैं हाफ पावर बीम विथ, ठीक है। फिर आता है फ्रंट टू बैक रेशियो,
फ्रंट टू बैक रेशियो क्या होता है कि इट इज़ द रेशियो पावर रेडिएटेड इन फ्रंट डायरेक्शन एंड टू द पावर रेडिएटेड इन बैक डायरेक्शन। सपोज कोई एंटीना है वो इधर भी रेडिएट कर रहा है और इधर भी रेडिएट कर रहा है, तो पावर रेडिएटेड इन फ्रंट डायरेक्शन टू द पावर रेडिएटेड इन बैक डायरेक्शन इज कॉल्ड एज द फ्रंट टू बैक रेशियो। फिर आता है लास्ट में लोब्स। लोब्स बेसिकली क्या होते हैं, बीम होते हैं आपके जो रेडिएशन होता है एंटीना का, ठीक है। ये मेन तीन टाइप्स होते हैं, मेन लोब या मेजर लोब, साइड लोब या माइनर लोब, बैक लोब या अपोजिट लोब, ठीक है। इसमें रेडिएशन पैटर्न में जो ये दिखाया गया है ये है मेजर लोब या मेन लोब, ठीक है। फिर बैक साइड में जो लोब दिखाई जा रही है ये हमारा बैक लोब हो गया, और साइड में जो भी रेडिएशन हो रहे हैं, ठीक है, ये माइनर लोब या फिर हमारे साइड लोब्स कहलाएंगे, ठीक है। सो दीज आर दी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंटीना। आई होप आपको कुछ आइडिया हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और अगर वीडियो में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा, और वीडियो शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है। थैंक यू।